अच्छा आराम से अगर अगर नींद में तुझे ढूंढेगा तो कहना है कि तू आ रही है रस्ते में, ठीक छे? अबे तू जा। Lie down on your belly, arms on the side. Now relax your spine and gently get your palms next to your chest. Now lift up your upper body, look up, stay and breathe. अगर आपका पोस्चर करेक्ट है तो आपको बिल्डिंग्स नहीं खुला आसमान दिखेगा। लुक अप एंड यू विल फील इट इन योर बॉडी दैट इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अरे मुझे तो तारे दिख रहे हैं। कम ऑन नमिता जी, यू कैन डू दिस। उस दिन आपने हलासन कितनी आसानी से किया था। अरे उस दिन तो मैं अटक गई थी ना था। ये आपको पता है और मुझे, बाकी किसी को थोड़ी ना पता। So ladies, yoga is not about strength. It's about flexibility. And more than flexibility, it is about your willpower. And Namita ji, aapki willpower ka to jawab hi nahi. You're one of my best students. Come on, you can do this. Okay. Yes. Stretch. Look up. Look up. Come on. Yeah. Breathe out. Yes. Very nice, Namita ji. Very nice. That's my girl. Very nice, everybody. Aap sabka favorite asan, Shavasan. Yes. यार हम औरतें सबसे आखिर में सोकर भी ना सबसे पहले उठती हैं। Yes. पूरी फैमिली को ऑन एंड ऑफ बटन होती है। बिल्कुल। अब पूरे दिन की भाग दौड़ है तो 10 मिनट का ब्रेक तो बनता है ना। बिल्कुल। है ना? So ladies, you have earned it. Lie down on your back. Leg straight, relax your body, eyes closed, and now breathe. Katha, Katha, सुन ना। हाँ। Katha, extra class ले लेना। देख, कमर का ना कमरा होता जा रहा है, तो एक घंटा निकाल ले, please. Okay, but. Okay, done. मेरे साथ और 5 लेडीज है तो एवरी मंडे आफ्टर द क्लास मेरे इधर और सारी तैयारी मैंने कर लेनी। नो नो नो, नॉट ऑन मंडे, ट्यूसडे ठीक है। डन। नो नो, नॉट ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। नो नो निमी, आई कांट। अरे व्हाई डू यू कांट? तू यंग है, सिंगल है, अब हॉट भी सिर्फ तू ही लगे, ये तो गलत बात है। हम गरीबों का भी भला कर दे। निमी, आई कांट ऑन वीकडेज, बट ओनली फॉर यू आई कैन कम ऑन वीकेंड्स 3 बजे, चलेगा? क्यों, ऐसा क्या करती है वीकडेज पे? Come on, निमी। अरे कोई नहीं, उम्र है, कर ले ऐश। बट हाँ, सैटरडे संडे 3 बजे मेरे घर पे। Sure. But निमी, I can't afford to do favors right now. Weekend का एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी, चलेगा? My God, I hate you. No, you don't. You have no idea. ये टाइम किसके खाते से कट के तुम्हारे खाते में आ रहा है। It's been no bargain. See you. I still hate you. Paul Chandra sir. Katha, I'm massively impressed. तुम ऐसे ही काम करती रहोगी ना तो हम लोगों को दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, आपसे तो सीखा है, आप इतने सालों से जानते हैं मुझे, क्लाइंट अप्रूवल चाहिए, लेकिन लेकिन आपकी एप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। God bless you, बेटा। तुम इतनी टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो, तुम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनी हो, जहाँ पर तुम्हें क्रेडिट मिले। कब तक मेरे जैसे लोगों के लिए घोस्ट जॉब करती रहोगी? है ना सर, बस इसी बात पे ना एक सोलो प्रोजेक्ट दे दीजिए मुझे। ट्रैफिक जाम में हो? नहीं सर, अभी तो मैं खुद एक ट्रैफिक जाम हूं। आई यू ऑन अ बाइक? हां नहीं, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल। अरे एक मिनट, बाइसाइकिल डेडलाइन के बीच में कम्यूट करने का बेस्ट तरीका। ओके क्विकली सर, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे तुम्हारा क्लोन चाहिए। मेरा क्लोन क्यों, मैं ही करूंगी ना सर। नहीं बेटा, इसमें काम 5 दिन का है और डेडलाइन 2 दिन की है। यू वोंट बी एबल टू बाइसाइकिल थ्रू दिस। सर डिफिकल्ट काम करती हूं तभी तो आप मैसिवली इंप्रेस होते हो।
मैं कर लूंगी। डोंट माइंड कथा, ये प्रोजेक्ट छोड़ दो। यू आर अ मदर टू, यू हैव रिस्पांसिबिलिटीज। आई कांट एंड आई वोंट टेक आवर्स टाइम फ्रॉम यू। काम तो आता जाता रहेगा, पर तुम्हारे बच्चे का बचपन कम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नो सर, चंद्र सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्लो डाउन कथा, इट्स ग्रेट टू बी हंग्री बट डोंट बी ग्रीडी। प्रायोरिटाइज, सेंड मी अमल्स नंबर। सर आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। चंद्र सर, कथा तुम बाइसिकल पर हो, आई डोंट थिंक यू शुड बी टॉकिंग ऑन द फोन। सेंड मी अमल्स नंबर। ओके बाय सर। And it's really irritating, man. Kya laga hai, tick 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 tick. How can you be so cool about this? And why are you so nervous? Kyunki humne itne paise dale isme, itne resources invest kiye, itna time lagaya apna. Oh kya yaar, bhai aajkal ladkiyon ke nahi, is Dubai Heritage Project ke sapne aane lage hain mujhe. Bas keh raha hai yaar. You know I can't believe it. Jab sab kuch lock tha, jab ye deal sealed thi, then why have they called for this meeting now? Relax, a meeting is called a meeting so people can meet and discuss things. I know that, bhai. But what things? Kuch technicalities hongi. Ek baar sun to le unhe kya kehna. Phir ho lena logs. You know, ye dekh. Dekh. Nahi dekh. Nahi, ye dekh. Is my table ready? Bhai. Sir, let me check. Tu dekh, bhai. Mr. Singhania na mere role model bante ja rahe hain. देख ऐसे से मॉडल ने कैसे सी मॉडल बढ़ा रखी है। एंड बाय द वे दे आर सीरियस, एक साल एक साथ। ऑफ कोर्स सही है बेटे, इट्स जस्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर जो बहुत जल्दी मैच्योर होने वाली है। देखना उनको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। सर योर टेबल इज रेडी। कुछ भी बोलता है यार तू, भाई सच्चा प्यार ना उम्र नहीं देखता। एग्जैक्टली, मुद्दा एज का है ही नहीं, मुद्दा इकोनॉमिक्स का है। औरतों का बिजनेस काफी सिंपल है, जितना पैसा आप उन पे खर्चोगे उतना प्यार वो आप पे खर्चेंगे। यार तू ना औरतों को समझता ही नहीं है कुछ भी। मुझे औरतों के बारे में आज तक एक ही बात समझ में आई है कि औरतें पैसे के पीछे भागती हैं। आज तेरे पास पैसा है इसलिए वो तुझसे फ्लर्ट करती है और तुझे चेस करती है, कल तेरा पैसा खत्म, ऐश खत्म। नजर मत लगा यार। प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स ऑफ गुड मॉर्निंग जेंट्स। हेलो हेलो प्लीज कम बुरहान। हाय मिस्टर, हाउ आर यू? Always a firm handshake and always a man who likes to be in control. Shall we? Yeah. Kya loge, tea or coffee? Sure, coffee would be great, par kaam ki baat kar lete hain. Relax. Settle down, boys. Fir baat karte hain. Yahi to baat hai. When everything about this project is already settled, fir kya baat karni hai aapko? Paperwork is all done and sealed now. To ab Quran, shoot. What's troubling you? Let me just straight dive in here. I want the project to be delivered by the end of this financial year. What? Mr. Abdali, with due respect, that's not possible. We all know ye project 2 saal ka hai. So by the end of this year, kaise hoga? Hoga. Pyramid has promised. Finish kar dega. To fir unko idhe dete. All right. आप उनसे करा लीजिए, पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडेमनिटी क्लॉज जरूर डालिएगा कि इफ दे डोंट मीट योर डेडलाइंस आपके फाइनेंशियल लॉसेस वो कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, उसके बाद हम वापस यहीं बैठे होंगे। गाइस, व्होएवर हैज नॉट मेट, शी इज कथा। हेलो, लेट हूं इसलिए सीधे पॉइंट पे आती हूं। अगर इस प्रोजेक्ट के साथ हमें जस्टिस करना है तो सबसे पहले हमें अपना घमंड छोड़ना होगा। सॉरी,
आपको इस रूम में कौन घमंडी लग रहा है? क्या? हम सब, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं सर, इन बिल्डिंग्स में हम जान भरते हैं, उन्हें नाम देते हैं, पहचान देते हैं, तो हम इनके क्रिएटर्स हुए, राइट? इन अ वे इस क्रिएशन के भगवान। एज एन आर्किटेक्ट हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि हर एक इमारत की अपनी एक रूह होती है। और अब जो हम गलती कर रहे हैं वो ये है कि इन दुबई की हेरिटेज बिल्डिंग्स में हम एक नई रूह डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हमें तो सिर्फ इन्हें संजो के रखना है, हम इनके भगवान नहीं हैं। इनके भगवान इनके पूर्वज थे, कई सौ साल पहले दुबई के किसी आर्किटेक्ट ने इनमें जान फूकी होगी, हमें बस इन्हें जिंदा रखना है। बैठ के प्रेजेंटेशन दीजिए। सॉरी, स्लाइड्स के सामने बार बार आ रही हैं, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। अच्छा, सर ये वो डिजाइन्स हैं जो मैंने आज की कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चुरल अंडरस्टैंडिंग से बनाए थे, इन्हें मैं अपने दिमाग में ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। और सर ये वो डिजाइन्स हैं जो मैंने दुबई की हेरिटेज पे रिसर्च करने के बाद बनाए हैं। Are you sure ये दुबई हेरिटेज के रूल्स और रेगुलेशंस को क्लियर कर पाएंगे? सर आई थिंक ओ आर यू श्योर? आई एम श्योर सर, क्योंकि ये डिजाइन्स मैंने दुबई के कल्चर को स्टडी करने के बाद ही बनाए। लुक कथा, आई लाइक द फिलॉसफीज, लेकिन एज एन आर्किटेक्ट आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? सर हमें प्रिजर्वेशन प्रोसेस के रॉ मटेरियल को चेंज करना होगा। व्हाट? सीमेंट नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? रेत, ऑफ कोर्स विद अ लोकल बाइंडर, बट सीमेंट इज 10 टाइम्स मोर ड्यूरेबल। एग्जैक्टली, लेकिन सर दुबई की हेरिटेज बिल्डिंग्स सीमेंट नहीं, रेत से बनी है। आई अग्री कि अब वहां पे सीमेंट से बिल्डिंग्स बनती हैं जहां पे लोग रहते हैं, लेकिन इन रेत से बनी इमारतों में उनका कल, उनका गुरूर बसता है। आज अगर किसी भी हिंदुस्तानी से ये कहा जाए ना कि गेटवे ऑफ इंडिया को पत्थर से नहीं सीमेंट से हम रिस्टोर कर रहे हैं, हमें अपनी विरासत से दगाबाजी लगेगी। सर ऑल आई एम सेइंग इज कि बुनियाद जिस मिट्टी की हो ना, उसकी मरम्मत भी उसी से ही होनी चाहिए। अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर हम इसमें मिलावट करें तो ये तो धोखेबाजी होगी। सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि रेगिस्तान में हमें रेत ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सीमेंट हमें इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी और साथ में कार्बन फुटप्रिंट भी पड़ेगा, जो आपकी कंपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट है। That's a valid point. तो सर बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि जो पुरानी इमारतें होती है ना, इनकी सीरत इनकी सूरत पे झलकती है। हर आर्किटेक्चुरल हेरिटेज की अपनी एक रूह होती है, उससे दो बातें करके पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हें हम जिंदा कैसे रखें। Guys, the client is here. He's early. इसलिए मीटिंग टाइम पे स्टार्ट करना जरूरी होता है। But I'm done, sir. सिर्फ चेंज इन अप्रोच ही बताना था। बाकी के टेक्निकल डिटेल्स फाइल में हैं। That will help you in your meeting. Thank you, sir. आपने पेशेंटली मुझे अपने आइडियाज प्रेजेंट करने दिए। थैंक्स अभी मत बोलो। आपका परमानेंट होना हमें प्रोजेक्ट मिलने या ना मिलने पे डिपेंड करता है। अगली बार गलती से भी लेट मत होना, ओके? एंड गुड जॉब टुडे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन वाज रियली गुड। थैंक यू। क्या बात है कथा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे कंग्रेचुलेट करूं या भूसा मारूं तुझे। यार नीचे बताए गाड़ी वाले ने ठोक दिया, पूरी हड्डियां हिला दी मेरी। ओ तेरी। और अब तेरे व्यान सर ने कॉन्फिडेंस हिला दिया, अभी तो जान में जाना ही, अब
तू घूसा भी मार ले। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा गया ना, जख्मों पे बाम लग गया। और मेरे जख्मों का क्या? तुझे पता है कॉन्फ्रेंस रूम में 20 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस था, सबकी नजरें तेरी सीट से टप्पा खाकर मेरे पे गिर रही थी। यार एक्चुअली सुबह आरव की तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक है वो? या ही इज बेटर नाउ। पानी पिला दे प्लीज। कौन है? आरव के डॉक्टर का फोन है। हाय डॉक्टर। हाय कथा, हॉस्पिटल आ सकती हो? क्या हुआ डॉक्टर, कोई अर्जेंट बात है? हाँ आ सकती हो अभी। यस आई विल बी देयर। या वेटिंग। क्या हुआ? आरव के डॉक्टर ने अर्जेंटली बुलाया, हम जाना तो पड़ेगा मुझे। पर यहाँ ऑफिस में सबको लगता है कि मैं सिंगल हूँ, सिंगल मदर नहीं हूँ, और सिंगल लोगों के पास तो बहाने ही नहीं होते। आई डोंट नो व्हाट टू से यार। तो बहानों का छोड़, वो मैं हैंडल कर लूंगी। तुझे श्योर ना? या प्लीज मैनेज। इट्स ओके, बाय। पुराण प्लीज हैव अ सीट। So, we want to be the humble restorers of your heritage, not just the architects. And that is why Dubai Heritage ke designs ke liye hum ret ka istemal karenge, kyunki Registan ki ret to aapka sabse bada heritage hai. Exactly. Ret ki bani imaraton mein aapka kal aur aapka ghurur rehta hai, aur aapke is ek saal ke deadline ka solution bhi. सैंड यूज करने से हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट टाइम भी आधे से कम हो जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट को वो सूरत देना चाहते हैं जो इसकी सीरत से मिलती हो, मतलब इसके चेहरे पर इसकी रूह की झलक साफ दिखेगी। हमारे लीड डिजाइनर का कहना है कि हर आर्किटेक्चरल हेरिटेज की अपनी एक रूह होती है। उनसे दो बातें करके पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम ही बता दो तुम्हें जिंदा कैसे रखा जाए। I didn't get the last part, but I feel you. This is so heartwarming. But what I want to know is, kya ye project given timeline mein pura hoga? Iske baare mein bhi socha maine. Burhan, what you're demanding is not really what you want or need. Aapko ek pura project nahi, project ki ek jhalak. A glimpse, बस उतना ही चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टर्स मीट में सबको दिखाने के लिए सिर्फ एक नजारा चाहिए, और इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम आपको बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर और ऑडिटोरियम बना के देंगे। बाकी का काम बैकग्राउंड में अपनी पेस पे चलता रहेगा। Exactly. आओ कथा। आरव की रिपोर्ट्स? हाँ बैठो। बताइए। आई एम रेडी। कथा हमें आरव के लिए डोनर मिल गया। मिल गया डोनर मिल गया। हाँ कथा। इसके लिए कैसे थैंक यू बोलूंगी? पिछले कुछ सालों में ना डॉक्टर, मैंने 40 लाख रुपए इकट्ठे किए, और मुझे लगा कि मैंने तो बस कमाल ही कर दिया है। पर कमाल तो नहीं हुआ, ये मैजिक ट्रीटमेंट बोल आरव और मैम मैजिक ट्रीटमेंट बोलते हैं वो। ममा करवाएगी मैजिक ट्रीटमेंट। अब ममा कैसे करवाएगी? 1 करोड़ तो नहीं है ममा के पास, तो कमाल तो नहीं हुआ।
कथा स्नैप आउट ऑफ इट। पिछले 5 सालों में जो स्ट्रेंथ दिखाई है ना तुमने, कुछ कमाल से कम नहीं है वो। अरे तुम्हारे इसी भरोसे की वजह से मैंने न्यूयॉर्क के डॉक्टर से बात की, उन्हें कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। फॉर देम आरव मे बी जस्ट अ केस, लेकिन हमारे लिए आरव इज अ फाइटर और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राइट Like son, like mother. अगर मेरा 8 साल का बच्चा इतनी फाइट कर सकता है तो मैं भी अपनी फाइट में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 5 साल में 40 लाख रुपए इकट्ठा किया ना मैंने। आई नो टाइम कम है पर मैं अरेंज कर लूंगी। 1 करोड़ राइट, मैं कर लूंगी। कुछ ही महीनों में मैं सारे पैसे अरेंज कर लूंगी। कुछ महीने नहीं है कथा, मैंने कहा ना तुमसे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आरव के पिछले रिपोर्ट भी तो अच्छे नहीं है। मतलब आरव के जो हेल्दी ब्लड सेल्स है वो डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहे हैं। मुझे अगर ऑपरेशन करना होता तो मैं कहता कि अभी कर लो, बट यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। आरव की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने जो मुझे टाइम दिया है मैं उसे आगे पुश नहीं कर सकता। कथा कब 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 की डेट? 1 हफ्ता। उनके टिकट्स बुक करने में, सारे अरेंजमेंट्स करने में, डॉक्टर्स को यहां बुलाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग कथा, उससे ज्यादा वक्त आरव के पास भी नहीं। आप मुझसे इम्पॉसिबल सी बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कथा कि हमें डोनर मिल गया है, न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स यहां आने के लिए तैयार हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारे हाथ में है कथा। 1 हफ्ते में 1 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा कथा। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? वरना हम डॉक्टर से ये रोज देखते हैं कि पेशेंट लड़ता तो अपनी बीमारी से लेकिन हर हालत से जाता है। नो डॉक्टर, आप ऐसा मत बोलिए। मेरा आरव कोई हालात वालात से नहीं हारेगा। 1 करोड़ 1 हफ्ते में राइट हो जाएगा। 1 हफ्ते में हो जाएगा। आप बस न्यूयॉर्क से डॉक्टर्स को बुलाने की तैयारी शुरू कीजिए। आई विल डू दिस। माँ, मिल गया हमें प्रोजेक्ट। ओह हाउ वंडरफुल, ये तो मिलना ही था। यू एंड डेसन डिजर्व दिस विक्ट्री। I'm so so proud of you, beta. Thanks, ma. अच्छा वियान, तुझे याद है ना आज डैड की बरसी है? तो पार्ट होगा और घर पर ही रखेंगे। मैंने पाठी जी से बात कर ली है। तो बस माँ, इससे बेटर होगा आप कोई चैरिटी या किसी एनजीओ को सपोर्ट कर दीजिए, किसी का तो भला हो जाए। That's actually a great idea. तो इस बार हम चैरिटी में करेंगे, पर बेटा पाठ तो हर साल होता आया है तो इस बार भी होगा। तू बस गुरुद्वारे जाके पाठी जी को खुद ले आ, क्योंकि मुझे ड्राइवर्स भेज के उन्हें बुलवाना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। ऑफ कोर्स मां। ग्रेट, तो ऑफिस से जल्दी निकलना, क्योंकि ना हम पाठी जी को वेट करा सकते हैं ना देरे डैड को। उनकी बरसी में आई ऑलवेज गेट दिस फीलिंग कि वो हमारे प्रेस का वेट कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स मां। हां वियान, तू खुद लेके आना पाठी जी को। जी मां। I have to go. ठीक है। Come in. Hi. हमारी कोई मीटिंग है? नहीं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि हम हर वक्त सिर्फ मीटिंग पे मिले। Where's Jenny? Well, Jenny तो चली गई। Honestly, I waited कि वो कब जाए। पर ना ये कॉन्वर्सेशन भी मीटिंग होती। I mean, आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। एक्चुअली मेरे पास कुछ इनपुट्स थे दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए।
लिए मीटिंग रखी गई थी। हाँ, लेकिन मुझे अपने आइडियाज पर्सनली डिस्कस करने थे आपके साथ। तथा द लीड डिजाइनर ऑफ द प्रोजेक्ट, तुम उससे पर्सनली डिस्कस कर लो। बट सर, आप क्या मुझे एक भी मौका नहीं दोगे खुद को प्रूव करने का? व्हाट इफ यू लव माय आइडियाज? Fix a meeting, then Essen, you and I can talk. लेकिन मुझे ऐसा लगता है that you and me should talk. You know, one on one, personal attention. काम की सारी बातें मीटिंग में हो जाती हैं. The only kind of women that want to talk one on one are women like you. Get out. Yeah, sir, you're get really out. Getting me wrong. Give me a minute, Leave. Please. We can talk. Out. Sir, I really can explain. Leave. अभी इसे क्या हुआ? वाई प्रोजेक्ट आइडियाज से जो वन ऑन वन डिस्कस करने थे उसे। वन ऑन वन? मेरे सेक्रेटरी के जाने के बाद उसे मेरी पर्सनल अटेंशन चाहिए थी। If you know what I mean? No, I don't. अभी लुक्स क्या दे रहा है सच्ची में नहीं पता। Well, I am telling you, उस लड़की को काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किस में? मुझ तुझ में? Oh. Vyan, Have you ever heard about hormones? क्या है ना भाई, कुछ लोगों के पास होते हैं और कुछ लोगों के पास दिल भी होते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कभी कभी अगर तुझे ये कॉन्वर्सेशन फनी लग रहा है ना, तो यहाँ बैठ के हंस लेना। When you are done, घर आ जाना। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? उनकी बरसी है, माँ ने पार्ट रखा है। चलो जीतू भाई, एक ऑफिशियल टर्मिनेशन लेटर तैयार कीजिए फॉर शमिता जायसवाल। Vyan. और रीजन में लिखिए अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट एट द वर्कप्लेस। Vyan. एंड फॉरन मुझे और एसएन को ये पेपर भेजिए। भाई लेट मी हैंडल इट। इमीडिएट रिलीज फ्रॉम द कंपनी। दैट्स राइट। भाई लेट मी हैंडल इट। आई विल स्पीक टू हिम। आई एम जस्ट कॉलिंग हिम। या? मुझे कल ये लड़की ऑफिस में नहीं चाहिए। ओके। प्लीज रिलैक्स। एसएन, आई एम नॉट जोकिंग। आई मीन इट। ओके भाई। ओके। आई हर्ड यू। हां जीतू भाई, आपको तो पता आज अंकल की बरसी है। अब पता नहीं शमिता ने एग्जैक्टली क्या किया, लेकिन दिन बहुत गलत चुना है। Vyan आज के दिन को ज्यादा ही ओवरथिंक करता है। But I guess the damage is done now. जी। तो मुझे डॉक्टर से नेगोशिएट करने को बोल रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं निशांत? अपने पास अगर जमीन जायदाद होती ना, तो उसको गिरवी रख के 75% तक का लोन मिल जाता। अभी तो तूने शेयर्स में पैसे डालने शुरू किए यार। और 10 का 11 भी नहीं हुआ है, जितने डाले थे उतने पे अटका हुआ है। और आदित्य ने तेरे लिए जो लाइफ टाइम पॉलिसी ली थी ना, अगर उसको भी हम प्री मैच्योरली तोड़ेंगे तब भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये सपना मुझे पता है, मुझे प्रॉब्लम मत बता। ये भी मत बता कि मैथ्स क्या है, ये बता कि मैं क्या करूं। यार पहले तो तू पैनिक मत कर प्लीज। निशांत देख, मैं ना अपने हिस्से का सब कुछ कर चुकी हूँ, मुझे ना अब डायरेक्शन चाहिए कि मैं मारूं तो किस डायरेक्शन में हाथ पैर मारूं। अच्छा सुन, मैं चेक करता हूँ, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही ना, तो कोई ना कोई बैंक हमें लोन दे देगा। ठीक है? और मैं कुछ एनजीओ में बात करके देखता हूँ, परेशान मत हो तुम। बस सिर्फ यही ऑप्शंस हैं। हाँ अभी तो फिलहाल यही ऑप्शंस है। बट लिसन, देख, जैसे हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंट है ना, वैसे हमारी तरह ऊपर भी अकाउंटेंट होते होंगे जो सबका हिसाब किताब रखते हैं। जब तेरे हिस्से की प्रॉब्लम्स की डिटेल्स भगवान के पास जाएगी ना, तो तेरे हिस्से का सॉल्यूशन तेरे पास भेज देंगे। ठीक है? चल अभी परेशान मत हो, मैं कॉल रखता हूँ। उनचालीस लाख 83,000 की सेविंग्स है। रिंग बेच के मिले 6 लाख। मेरी फोन बुक में जितने भी लोग थे मैंने सबको फोन कर लिया, सबने कुछ ना कुछ मदद भी की है, लेकिन उससे मिलाकर भी होते हैं सिर्फ 3.5 लाख। तब भी बचा 1 करोड़। निशान भी बोल चुका है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं क्या करूं? मैंने आरफ को प्रॉमिस किया है। भगवान चाहे एक बार प्रॉमिस तोड़ भी दे, मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं कैसे उसका प्रॉमिस तोड़ूं? मैं कैसे उसको बोल दूं कि वो क्या करूं? ब्लड कैंसर से मां चली गई, मैं सिर्फ 12 साल की थी। फिर पापा को हार्ट अटैक आया, वो भी चले गए। फिर आदित्य कार एक्सीडेंट से,
मेरा आरव तब एक साल का ही था। उसे अपनी गोद में लेकर मैंने आदित्य की चिता को आग दी थी। किसी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें बचा सकूं। लेकिन माँ तो बच्चे की प्रोटेक्टर तब से होती है जब से वो उसकी कोख में होता है, और आरव तो मेरे सामने है यार, जीता जागता अपनी होप्स वाली आंखों से मेरी तरफ देखता हुआ। वो ऐसे नहीं जाएगा, वो देगा मेरी चिता को आग। वो बड़ा होगा, उसकी अपनी एक फैमिली होगी, वो बूढ़ा होगा, अपनी होप्स वाली आंखों से पूरी दुनिया को देखेगा। वो ही विल डाई एन ओल्ड मैन, वार्म एंड हैप्पी इन हिज बेड। ही विल नॉट गो लाइक दिस। इन पैसों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। क्या हुआ कथा? क्या हुआ? तुम आरव के पास है ना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं रहूंगी। तू हुआ क्या? बस मैं कथा कहाँ जा रही है? जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। क्योंकि आरव भले ही मेरी जिम्मेदारी हो, पर खून तो वो किसी और का भी है ना। बेटा जी, भूल गई बेटा, हमारे घर की रीत है कि जब बच्चा आने वाला होता है, बेटा हो या बेटी, ये बात माँ नानी दादी नहीं करती। सबसे अच्छी बात ये कहते हैं कि घर में रौनक आने वाली है। जीती रहे बेटा, तेरे चेहरे का ग्लो बना रहे और इस घर की रौनक बच्चों से बनी रहे। थैंक यू मम्मी जी, बधाइयां बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आइए। लो बेटा। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों ने तो इतनी सारी रौन के डाल दी मेरी गोद में। बेटा उसे आने तो दो, यंगेश गरेवाल के वेलकम के लिए उसके दादा दादी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। वैसे भी जो हमारा है वो इन बच्चों का ही तो है। लव यू पापा जी। खुश रहो। ये क्यों आई है यहाँ पे? अभी इसे बाहर निकाल के आता। अरे रुको, तुम तो सोचते बात पे हो, करते पहले हो। अच्छा तो पापा जी को बोल दे तुम, वो ही देख लेंगे। अरे दो मिनट रुक जाओगे, मुझे समझने तो दो। सुनो, कहीं मम्मी ने तो नहीं बुलाया इसे यहाँ पे? पापा जी, क्यों उसे ऐसा तो नहीं हो सकता?
टोल की बंद क्यों कर देता वही? नचो भी गुड़ियो नचो, आओ सारे आओ। Yes, sir. उन्हें मेरी लाइब्रेरी में बिठाओ। Okay, sir. Excuse me, ma'am. आइए ऊपर। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं 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 सर, इंग्लिश पिक्चरें ज्यादा देखते हैं इसीलिए। तो फिर तो पक्का भाग के शादी कर रहे होंगे। नहीं सर, बकायदा हम विटनेस डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। हाँ, शादी का जोड़ा लाना भूल गया बस, है ना? अरे सर, ये क्रिश्चियन वेडिंग कितनी कूल होती है। अब घर वाले साथ होते तो करते उनके रंग में रंग के शादी। अब जब हमारी फैमिली को हमारी खुशी में अपनी खुशी नहीं दिख रही तो कम से कम हम तो खुशी खुशी अपने अरमान पूरे कर ले, है ना सर? तो सर्टिफिकेट में एड इवेंट्स कैथी लिख देता हूँ। चलेगा। या। यहाँ साइन कीजिए। हाँ। एडी एडी, एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ कैथी? या। Do you take this woman as your lawfully wedded wife? Haan ji, I do. Woohoo! Adi, Adi, mera wala bhi aane wala hai. Acha. Do you take this man as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Congratulations! Sign! I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. भैया, भैया, दो चाय देना। भैया बैठना।
नो! थोड़ी हल्दी होगी? जी मैडम। भैया बिस्किट देना। और दो चाय भी। कहाँ है तुम्हारी? हाँ, जितना तुम परेशान हो रहे हो ना, उससे ज्यादा तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही होगी। तुम चिंता मत करो, तब तक मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ओके? ए, तुझे अकेला किसने छोड़ दिया? मुझे पता है ऐसी रात में अकेला होना क्या होता है, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। भाई साहब चाय। रियान चल घर चल। I'll make you some good coffee. Come. जिसको मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, आज जाय जी कहती है मैं बिल्कुल उनकी तरह लगता हूँ। जरूरी है क्या हर बेटा अपने बाप की स्पिटिंग इमेज हो? क्योंकि वो तो छोड़ जाने वालों में से थे, मुझे और माँ दोनों को अकेला छोड़ गए। Vyan, you are not looking well. Please wait. घर चलते हैं। घर? और इसका क्या करूं? यान वो यही का है, छोड़ दे इसे, he'll be fine. छोड़ दो इसे? जैसे मेरे पाप ने हमें छोड़ दिया था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कड़वा सच था वो। एक बार में समझ आ गया कि दर्द क्या होता है, अकेलापन क्या होता है और लाइफ क्या होती है। यार लेकिन ऐसे तो नहीं जिया जा सकता ना, विद योर गार्ड्स अप ऑल द टाइम। लुक एट यू, तूने अपने आसपास एक दीवार बना के रखी हुई है बस उस एक औरत की वजह से। हाँ, उस एक औरत की वजह से। हाँ, एक औरत की वजह से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।